तो मेरे पास अभी ये चार है और हम लोग अभी इसको चेक करेंगे। मेरे स्किन टोन का इसमें से कौन सा है मेरा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं मेंशन कर देती हूँ, मैंने अभी मॉइस्चराइजर मैंने सॉरी मैंने टोनर लगा लिया है, मॉइस्चराइजर लगा लिया है, सीरम लगा लिया है, प्राइमर लगा लिया है और लिपस्टिक अप्लाई कर ली हूँ, ठीक है। और मुझे बहुत सारे वीडियो शूट करना है, इसीलिए लॉन्ग लास्टिंग मुझे मेकअप करना है ताकि आज मैं दिन में वीडियो शूट करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं मेरे स्किन टोन का कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आती है एक और था आई थिंक, हाँ उधर ही रह गया। तो ये पहला फाउंडेशन है लैक्मी मैबलिन फिट मी फाउंडेशन है। तो चलिए चेक करते हैं, ये पम्प की बॉटल में आता है। तो आपको कुछ ये आपको ये जरा सा अमाउंट लेना है, ओके। थोड़ा सा ये ज्यादा मैं ले ली, तो आपको यहाँ पे जॉ लाइन के पास ऐसे चेक करना होता है, ठीक है। तो और दूसरा हम लोग चेक कर रहे हैं, ये मेरा सेट है, बीज होगा ये हनी होगा, बीज है तो ये हनी है मेरा, ठीक है। तो ये भी चेक करते हैं क्या है। वैसे ऑलमोस्ट मैंने खत्म हो चुके हैं, मैंने तो खत्म कर ही दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए मैं ये रखी थी बहुत दिन से संभाल कर, ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊँ जो ये कैसा है। निकल ही नहीं रहा यार, ये मेरा हनी है, ठीक है। इसको हम कट करते हैं, पता है कट करने के बाद में बहुत ज्यादा मतलब इसमें अमाउंट मटेरियल निकलता है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा है। इस तरीके से आप लोग फेंका मत करो, इस तरीके से आप एकदम यूज किया करो, आप इसमें आराम से आप 10 दिन निकाल सकते हो अपने मेकअप लुक को, जरूर ट्राई करना ये सब टिप्स, ठीक है। तो फिर आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और है मेरे पास बीज, वो हनी था, ठीक है। तो ये तो है मेरा, ये मेरा काफी अमाउंट है इसका। तो फिर लीजिए मैंने ये भी लगा लिया। देन अभी मेरे पास एक पॉन्ड्स बीबी क्रीम है, एक ये भी है मेरे पास, देन अभी मेरे पास एक और फाउंडेशन है जो मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती, मेरे स्किन टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा मैं परेशान रहती है, बट इसका मैं जुगाड़ कर ली हूँ। ये क्या जुगाड़ है नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो तभी मैं ये यूज कर पाती हूँ। ये देखो ये मेरा बिल्कुल सेट का है ही नहीं, कलर से ही पता चल रहा है। तो मेरी स्किन थोड़ी सी फेयर है, तो अब आप देखो इसमें मैच करो मेरे स्किन टोन से कौन सा जा रहा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कौन से मेरे स्किन टाइप के लिए है फाउंडेशन। तो अब देख सकते हो पहला वाला जो है थोड़ा ये लाइटन है, ठीक है, मेरे स्किन से लाइट है ये, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है मेरे स्किन टाइप से थोड़ा सा डार्क है, हल्का सा जो चल जाएगा, जो मैंने लगाती जो चल भी जाता था। और नेक्स्ट देखिएगा जो मेरे स्किन टाइप का ऑलमोस्ट है, और ये जो है मेरे स्किन टाइप का एकदम सिमिलर है ये वाला, ये आप कर सकते हो फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर जो मेरे स्किन टाइप का बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा लाइट है, ये कैमरा में थोड़ा आपको ज्यादा लग रहा होगा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए फाउंडेशन की मैं बात करूं, कहा जाए इनमें से मेरे लिए कौन सा सुटेबल है, तो आप ये देखो ये फाउंडेशन जो होते हैं, जब भी हम लोग पार्टी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो हमारे जो फाउंडेशन होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं, इसीलिए जब भी आप फाउंडेशन ली तो थोड़ा सा आपकी स्किन से लाइट होना चाहिए, जो मेरे स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। जब मैं लगाती हूँ तो मेरा खराब लगता है उस समय, लेकिन 1-2 घंटे के बाद जब मेरा सेट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो हाँ मेरे स्किन टोन से काफी हद तक चला जाता है और लगता है हाँ पार्टी वगैरह मैंने मेकअप की है, ठीक है। और थर्ड जो है मेरे स्किन टाइप्स के लिए जो परफेक्ट है डेली यूजेस के लिए, क्योंकि डेली यूजेस में ज्यादा फाउंडेशन या तो फिर ज्यादा कवरेज अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा नेचुरल रहो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो मेरे हिसाब से ये जो है मेरा बीज मेरे स्किन टाइप्स के लिए ज्यादा सूट कर रहा है, और मैं बीज ही लगाती हूँ फाउंडेशन सॉरी सीसी क्रीम। तो इससे आप इस तरीके से आप जज कर सकते हैं आपके स्किन टोन के लिए कौन सा फाउंडेशन बीबी क्रीम सीसी क्रीम है। अब बात आती है, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ,
हमेशा आए दिन वीडियोस बनाती हूँ और आए दिन मैं तरह तरह के प्रोडक्ट मैं हमेशा यूज करते रहती हूँ, तो मेरे पास पॉसिबल है फाइंड आउट कर लेना कौन से मेरे स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। लेकिन आप लोग के पास इतने सारे नहीं होंगे बीबी सीसी क्रीम या फाउंडेशन कुछ भी, तो आपको मैं एक टिप्स दूंगी। अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स या तो फिर आप किसी सिस्टर से आप देख सकते हो उनका क्रीम ले आना, फिर अपनी भाभी का चाची का सभी का क्रीम सबसे कलेक्ट कर लेना। आप बोल देना थोड़ी देर के लिए मुझे चाहिए और मुझे बस चेक करना है मेरे स्किन टाइप्स के लिए कौन सा फाउंडेशन सुटेबल है, तो आप उनसे ले करके इस तरीके से आप चेक करके सॉरी और आप जज कर सकते हैं ये आपके स्किन के लिए है भी या नहीं। तो ये एक अच्छा तरीका है आप लोगों के लिए इस तरीके से। और एक बार में आप कभी भी फाउंडेशन सीसी क्रीम बीबी क्रीम आप जज नहीं कर पाएंगे मेरे स्किन टोन के लिए कौन सा आपके लिए सुटेबल है, क्योंकि सारी जो भी ब्रांड्स होते हैं सबके जो अपना रेंज निकालते हैं सबका अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा इसमें तो आपको मेहनत लगेगी। बहुत गर्ल्स लोग का ये प्रॉब्लम होता है, लोग कहते हैं आप जो लगाते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है, वो ओरिजिनल होता है, हम जो लगाते हैं डुप्लीकेट होता है या आपको कुछ और प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन नहीं, ये स्किन टोन पे सब कुछ डिपेंड करता है। मेरी एक दोस्त है वो हमेशा मुझे ब्लेम करती है, मैं उनको बताती हूँ कमेंट करती हूँ तो उनके फेस पे अच्छे से नहीं जाता। और हाँ, लगाने का सही तरीका भी होना चाहिए, बहुत लोगों को लगाने भी नहीं आता, क्योंकि मेरी दोस्त है मैं वो बोलती थी तुम जो लगाती है तुम्हारा अच्छे से मेकअप होता है, मेरा अच्छे से मेकअप नहीं होता, ऐसा क्यों होता है बार बार। तो मैंने उनको एक बार बोला, एक बार ठीक है आज एक काम करते हैं तुम मेरा प्रोडक्ट लगाओ मैं तुम्हारा प्रोडक्ट लगाती हूँ, ठीक है। तो हमने लगाया, मैंने उसको लगाया, मैं ही उसका सारा मेकअप की, तो इससे फाइंड आउट हो गया, फाइंड कर ली हमने जो हमारी जो फेस पे जो लगाने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बहुत इतनी शाली की लगाते हैं जो अभी फेस पे कुछ होगा ही नहीं, थोड़ा सा ज्यादा आपको क्वांटिटी चाहिए तो आपको लगाने का भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। और ये इसी के साथ मैं ब्लेंड भी कर लूंगी, तो चलिए आप ब्लेंडिंग कैसे करना ये बहुत ज्यादा, और हाँ फ्लॉलेस कैसे हम लोग मतलब ब्लेंड कर सकते हैं अपने स्किन को दिखा सकते हैं, तो वो भी टिप्स मैं दूंगी। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्लेंडिंग कैसे करना। ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाउंडेशन को ब्लेंड करने में। तो आपको कभी भी जब भी आप फाउंडेशन सीसी क्रीम ले रहे हैं थोड़ी सी क्वांटिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए, जो मेरे यहाँ पे बहुत सारे लग चुके हैं, मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी कि वो सब मैच होगा तो मेरे स्किन टोन से टोन में मैच हो ही जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी ब्यूटी ब्लेंडर को ये जो गीला कर ले इस तरीके से डिप कर ले, ठीक है, और इसका जो भी एक्सेस वाटर वो जरूर आप निकाल ले। और अगर आप और भी ज्यादा अभी जैसे भी ड्राई स्किन वाली जो है या तो फिर जो नॉर्मल स्किन वाले उनको भी थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है, तो अभी के टाइम में आप चाहते हो और भी ज्यादा फाउंडेशन मेरा फ्लॉलेस हो तो उसके लिए आप फेशियल ऑयल जरूर आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ट्रिक है अपने फाउंडेशन को फ्लॉलेस करने के लिए, जल्दी ड्राई नहीं होगी। काफी लोगों का ये प्रॉब्लम होती है मेरी फाउंडेशन बार बार ड्राई हो जाती है, व्हाइट व्हाइट सा फेस पे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निचोड़ लेना है, ओके। और ये जो फाउंडेशन है कुछ इस तरीके से आपको पहले पूरा ब्लेंड कर लेना अपने फेस पे, आप देख सकते हो इवनली, मतलब पूरे फेस पे इसे ब्लेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से पूरा स्प्रेड कर ले अपने फाउंडेशन को। और हाँ, जब भी आप ब्लेंड कर रहे हो तो नेक को मत छोड़िएगा, नहीं तो आप कितना भी कवरेज अपने फेस पे कर लो अगर नेक पे नहीं होगा तो आपकी मेकअप बिल्कुल भी पॉप आउट नहीं होगी। अगर अपने मेकअप को हाईलाइट करना है तो जरूर मेक श्योर आप अपने नेक को भी जरूर आप ऐड कीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी और क्वांटिटी लूंगी क्योंकि इतना से मेरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो, मैं ब्रश से भी इधर का पोर्शन मैं करके दिखाऊंगी, ओके। ब्रश से करने में ये होता है ना प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लगते हैं और बर्बाद बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए मुझे अच्छे नहीं लगते ब्रश। सॉरी यार, वेट, मैं अभी ब्रश लेके आती हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से
इसे के साथ ब्लेंड कर सकती हैं। ब्रश से आप जब भी ब्लेंड कर रहे हो तो ये जो डायरेक्शन है आपको फ्रंट से बैक की तरफ ब्लेंड करना ज़्यादा अच्छा होता है, इस तरीके से आपको जाना होता है। और कभी भी आप जब ब्लेंडिंग कर रहे हो तो कभी यहाँ यहाँ वहाँ ऐसे ऐसे करोगे ना तो फिर आपकी फ्लॉलेस होने से नहीं, आप अपने मेकअप को बर्बाद ही कर रहे हो, तो इस बात का खासा ध्यान दीजिएगा। तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही करूँगी, मुझे उससे ज़्यादा सही लगता है। आप देख सकते हो फ्लॉलेस मेरी ऑलमोस्ट मेरी ब्लेंडिंग हो गई है, कोई भी हार्श लाइन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ पे बहुत बार होता है यहाँ पे जम जाता है। फिर यहाँ पे जब ब्लेंडिंग करते हैं इस बात का खासा ध्यान दीजिएगा, आईज के नीचे और यहाँ माउथ के अराउंड लाइन फाइन लाइन्स बन जाते हैं फाउंडेशन का, जो अच्छे नहीं लगते। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मैंने कम्प्लीट कर ली है मेरी फाउंडेशन, कवरेज भी आप देख रहे हो काफी अच्छी कवरेज भी मिल गई है मेरे स्किन को, फेस को सॉरी। तो जो भी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक नोट मैं दूंगी वीडियो एंड करने से पहले, जब भी आप फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हो एक चीज़ का खासा ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको फाउंडेशन बीबी सीसी क्रीम जो भी आप यूज़ कर रहे हो आपको यहाँ पे लगा तो ऐसे ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको ये ड्रेक या तो फिर श्रैप बिल्कुल नहीं करना, आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे डैब 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 डैब, हाँ टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा ब्लेंड करना, लेकिन पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम नहीं लेगा, तो फिर क्या, रोज तो भाग दौड़ में हम लोग करते रहते हैं अपना क्रीम पाउडर जो भी लगाना। लेकिन कभी जब स्पेशल डे आते हैं तो इतना तो बनता है थोड़ा सा टाइम लेके मेकअप करना। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड या किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो, क्या पता जिनको फाउंडेशन पे भी सीसी क्रीम नहीं लगाने आते हैं तो उनको लगाने आ जाए, क्योंकि उनको बार बार शर्मिंदा होना पड़ता है जब भी फाउंडेशन क्रीम लगाती हैं। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा इस लिंक पे जो ब्लिंक कर रहा है, क्या पता वो लकी विनर आप भी हो सकते हैं। और आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह की और भी न्यू वीडियोज देखने के लिए। और हाँ, मेरे चैनल पे अभी गिव अवे चल रहा है, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्या पता वो लकी विनर आप भी हो सकते हैं। और इसके बाद हम कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज आप मुझे फरमाइश करो कमेंट बॉक्स में, मैं आपके फरमाइश डिमांड पर मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगी। और सारे प्रोडक्ट्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहो तो अपने लिए परचेज कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।